गुड इवनिंग डियर लर्नर्स, आज ये क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सबको गुड इवनिंग भैया, सबको नमस्कार, नमस्ते बच्चे, सबको नमस्ते। तो क्या कहानी तुम लोगों की चल रही है, कहो तो लिंक भेजूं। किस चीज़ का लिंक भेजना चाह रहा है बेटा? लिंक विंक व्हाट्सएप पे भेजा करो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा है ना तुम लोगों के साथ में। जो भी लिंक विंक भेजने होते हो व्हाट्सएप पे भेजा करो, यूट्यूब की चैट में ये बदतमीजी मत दिया करो, ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है? तो व्हाट्सएप नंबर जो मैंने तुम लोगों के साथ में शेयर कर रखा है, जो भी लिंक भेजना है, जो भी चीज़ भेजनी है, जो भी मेरे साथ आप शेयर करना चाहते हो, वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे करिए, ठीक है? मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ना, जिन बच्चों के पास नहीं, देखो मैं बता देता हूँ, 9999119159। दिस इज द नंबर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन थ्रू व्हाट्सएप। प्लीज डोंट कॉल, कृपया कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप करें, 9999119159 व्हाट्सएप, ठीक है? एक्चुअली इस नंबर का व्हाट्सएप मैं ही यूज करता हूँ, इस फोन का व्हाट्सएप जो है वो, मतलब इस नंबर का व्हाट्सएप मेरे फ़ोन पे एक्टिव है, तो अगर आप इस नंबर के व्हाट्सएप पर कुछ भी मैसेज करेंगे तो वो मेरे पास आएगा डायरेक्ट, ठीक है? नो अदर पर्सन। तो जो भी है अपना व्हाट्सएप पे कर लिया करो। हाँ अजय, अपने कुछ डिस्कस कर रहे थे, वीडियो नहीं आ रही आपकी, वीडियो नहीं आ रही? बेटा ऐसा नहीं होगा, मैं तो देख रहा हूँ, मतलब मेरे सामने स्क्रीन ओपन होती है तो सब तो दिख रहा है। व्हाट्सएप पे रिप्लाई कल करूंगा सबको, अब की बहुत दिन हो गए मैंने व्हाट्सएप पे, मेरे पास बहुत चैट हो गई, कितनी चैट हो गई मैं देखता हूँ, मैं कल इन सबको रिप्लाई करूंगा, बहुत चैट हो गई, मतलब मोर देन 300 चैट्स हैं, मैसेज तो कितने ही हो जाएंगे, ठीक है? तो मैं इन सबको रिप्लाई करूंगा कल, कल संडे है ना, कल मेरे कोई शेड्यूल्स वगैरह नहीं है, बस रात को एक क्लास है ये तुम लोगों की 10 बजे, ठीक है? और कोई क्लास नहीं है, तो मैं सब कल सारे व्हाट्सएप में रिप्लाई कर दूंगा, जितने मैसेजेस व्हाट्सएप पर आए हैं, 300 प्लस चैट्स हैं, 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन कल मैं सब निपटा दूंगा। चलिए, एनकॉम एफ बैच में आपने जो पढ़ाया था, प्रैक्टिस बुक मिली है नाउन टॉपिक की, उसमें सेम क्वेश्चन कोई दूसरे सर करा रहे हैं, बहुत गलत एक्सप्लेनेशन दिए हैं। ऑनलाइन में यही होता है, बच्चों का इतना बेवकूफ बनाया जाता है कोई कुछ कह नहीं सकता। टीचर्स ऑनलाइन के इतने मक्कार हैं, किसी ढंग के सहूर के टीचर के जो ओरिजिनल पढ़ाता है, मेहनत करके अपने क्वेश्चन तैयार करता है या करवाता है, उसका बैच ले लिया, ठीक है, फ्री में, या फिर जैसे कहीं से, मतलब बैच ज्वाइन कर लिया और उसी के क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इतना नहीं सोचते बेवकूफ लोग कि अरे पगले, कोई मान लो ऐसा कैंडिडेट रहा कि उसने तुम्हारा वीडियो देख लिया और दूसरे का भी वीडियो देख लिया, कंपेयर करके जान जाएगा, अबे कॉपी करके पढ़ा रहे हो, टीचर हो, ओरिजिनल होने चाहिए, अपने क्वेश्चंस बनाओ, अपना सोचो, अपना विचार करो, अपने बच्चों के साथ में ईमानदारी होनी चाहिए, जो तुमसे पढ़ रहे हैं, जो तुम्हें टीचर मानते हैं, जिनको तुम मोटिवेट करते हो, उनकी नज़रों में अपनी इमेज भी अच्छी बना के रखो, कल वो कहे अरे हमारे सर तो नकली हैं, ठीक है, कल कहे बातें तो मोटिवेशन कितनी तगड़ी तगड़ी करते हैं लेकिन अंदर से तो खोखले इंसान हैं, ढोल में पोल हैं। तो अब यही है, ऑनलाइन में बच्चों को बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठीक है, बच्चे बेचारे जान नहीं पाते, बच्चे सर जी की बातों में खोए रहते हैं, हमारे सर तो बहुत अच्छी बात करते हैं, हमारे सर तो इतना मोटिवेशन करते हैं, हमारे सर तो बड़ा मीठा बोलते हैं, प्यारे बच्चों बोलते हैं, ठीक है, शायरी भी सुनाते हैं। चलो अच्छा, चलो देखते हैं, आ जाओ फाउंडेशन बैच न्यू, आ जाओ क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो जिसको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे कर देना, और जिनके अभी जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किए हैं और रिप्लाई नहीं हो पाए, मुझे पता है क्योंकि मैंने अभी काफ़ी दिनों से व्हाट्सएप ओपन ही नहीं किया, ओपन करता हूँ बट मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए, तब मैं एक साथ में सारे निपटा दूंगा चैट्स, अभी क्या वो टाइम वीकडेज में मिल नहीं पाता, लेकिन कल संडे, कल मैं सारे आपके जो भी हैं व्हाट्सएप उनको सबको कल रिप्लाई करूंगा, ठीक है? खुश, मेरा कंटेंट चुराते हैं कई हैं जिनका तो मुझे पता ही है, ठीक है, बच्चे भेज देते हैं ना व्हाट्सएप पे, बच्चे भेज देते हैं, मैं नंबर शेयर करता हूँ तो इसका मुझे कई बार फायदा मिल जाता है, बच्चे व्हाट्सएप पर भेज देते हैं,
तो मेरे पास आ जाता तो मैं जानता तो रहता ही हूँ कौन टीचर मकारी दे रहा है, लेकिन ठीक है, अच्छा पढ़ाई है। देखिए नॉलेज इसीलिए होती है, नॉलेज आगे बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे साथ में क्या है ना, मैं ये चाहता हूँ कि सही आदमी उसको आगे कैरी करे। मतलब झूठे लोग जो होते हैं, मक्कार लोग जो होते हैं, मतलब देयर शुड बी कैरेक्टर, कैरेक्टर होना चाहिए, मेन चीज ये। आप पढ़ाओ अच्छा बुरा वो ठीक है, वो आप धीरे धीरे सुधार कर लोगे, बट कैरेक्टर सही होना चाहिए पर्सन का। जब गलत लोग फायदा उठाते हैं ना अच्छी चीज का, तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी अच्छे लोग हैं, मैं ऐसा थोड़ी कुछ है, ऑनलाइन पढ़ाने का मतलब तो आप लोग सारे समझते ही हो, ठीक है। मुझे खुद पता है, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, बहुत से टीचर्स हैं हमारे बैचेस में जो है ना, और वो हमारे साथ में ओपन है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं वो अपने को तिकड़म्बाज समझते हैं, ठीक है, अनसेंट तरीके से, गलत तरीके से चीज़ों का यूज़ करना चाहते हैं, खैर करते भी हैं। उसमें मुझे पढ़ना नहीं कि मैं उनको जाके रोकूँ, मना करूँ, फलाने में ऐसे कोई तुक नहीं बनता। नॉलेज आगे बढ़नी चाहिए, जैसे मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपने यहाँ पे कोई चीज़ सीखी अच्छे से, ठीक है, आप उसको आगे पास कीजिए, आपको वो बात अच्छे से समझ में आई, आपको अच्छी लगी, आप दूसरों तक पहुँचाइए। अगर छोटा मोटा कोचिंग सेंटर चलाते हो या पढ़ाते हो तो उन तक पहुँचाइए, ठीक है। उन तक नहीं, अपने घर में छोटे भाई बहन हैं, छोटे बच्चे हैं, भतीजे भतीजी वगैरह हैं, तो उनके साथ डिस्कस कीजिए, उनको फायदा पहुंचाइए। मतलब नॉलेज इसीलिए होती है, आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन इसमें जो लोग भेड़ की खाल में भेड़िया है ना, वो सब गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो जो लोग भेड़ की खाल में भेड़िया है, मतलब बच्चों के सामने उनकी इमेज कुछ और है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि वो नंबर दो के इंसान है, टोटल नकल का उनका कारोबार है, टोटल उनके कॉन्सेप्ट नकल के हैं, उनके क्वेश्चंस निकल के हैं, और वो जो बच्चों को सामने दिखाते हैं वो भी झूठ है, वो भी फेक है, वो भी ओरिजिनल नहीं है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं पे जब मतलब गड़बड़ करते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। बाकी नॉलेज इसीलिए होती है, आप मुझसे सीखिए, आप आगे बढ़ाइए, दूसरे किसी को अच्छा सिखाइए, अपने घर में जो मेम्बर्स ऑफ द फैमिली हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। ये कोई मेरा ट्रेडमार्क थोड़ी है, मेरा कॉपीराइट थोड़ी है भाई, ठीक है। और नॉलेज पे कॉपीराइट मैं करवाऊंगी क्यों, और ऐसी भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कि हम किसी बच्चे का हमें पता चल जाए तो हम उस पर कोई एक्शन लें, कोई नाटकबाजी करें, उसके खिलाफ वीडियो बना के डालें, उसको बदनाम करें, या उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लें, ये भी कोई तुक नहीं बनता। नॉलेज है, अच्छी नॉलेज आगे बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब मेन तो फायदा यही है। अब फिर इतनी तो समझ मुझ में भी होनी चाहिए कि भाई आप कितना कॉन्टेंट अपना बचा के रखना चाहते हो, ऑनलाइन में पढ़ाओ, मत, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो इतने तो जुडिशियस, इतना तो प्रूडेंट टीचर को खुद भी होना चाहिए ना, कि टीचर को पता होना चाहिए कि भाई मैं इतने कंटेंट का रिस्क ले सकता हूँ, आप उतने का रिस्क लो, उतना कंटेंट अपना ऑनलाइन पढ़ाओ। जो आपको लगता है कि आप ऑनलाइन में रिवील नहीं करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो इसकी कॉपी हो, लोग इसको मतलब गलत लोग इसका फायदा उठाएं, तो आप उसको लेके मत जाओ। मैं अपना ऐसे के लिए ऑनलाइन लेकर ही नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पता है वो कंटेंट मुझे ऑनलाइन में करना ही नहीं है, लोग यही नाटकबाजी शुरू कर देंगे, ठीक है, तो मैं उसको ऑफलाइन में डील करूंगा। तो इतना तो टीचर में फिर खुद भी सेम होना चाहिए ना, टीचर में इतना सेंस तो खुद भी होना चाहिए कि भाई आप अपने कितने कंटेंट को आप चाहते हो ये कंटेंट आपका लीक ना हो, ये कंटेंट आपका जो है ये गलत लोगों के द्वारा यूज ना किया जाए, केवल सही लोगों तक ये पहुंचे, ठीक है, केवल जो लोग डिजर्व करते हैं, जो ट्रू लर्नर्स हैं उनको इससे फायदा मिले। नकली लोग पूरा एक्सपीरियंस खराब कर देते हैं, गुड़ गोबर कर देते हैं, मतलब खुद कुछ कर नहीं पाते, दूसरे को करने नहीं देते, सब खराब कर देते हैं। तो आप उसको पढ़ाओ ही मत, आप लाओ ही मत उसको ऑनलाइन, मैं पढ़ाता ही नहीं। मुझे पता है कि जो मेरा प्रीमियम कंटेंट है, जो मैं ऐसे के लीड के लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं क्यों उसको मैं ऑनलाइन क्यों पढ़ा दूँ, मुझे क्या जरूरत है, ठीक है। ये जैसे बच्चा बता रहा है इसी तरीके के बदतमीजी टीचर्स देते घूमेंगे उसके साथ में, आप पढ़ाओ ही मत उसे, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। और बाकी जो आप पढ़ा रहे हो उसके लिए उम्मीद करो कि अगर आपने अच्छा पढ़ाया, आपने बेहतर सिखाया, तो कोई दूसरा उसको आगे पढ़ाए, ठीक है। भेज देना बेटा वीडियो, भेज देना वीडियो का लिंक, भेजना व्हाट्सएप पे, ये नंबर है, ये तुम्हारे पास है, तुम्हारे मैसेज आते भी रहते हैं, इस पे भेज देना, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब हम लोग अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बातें हो गई, माहौल बन गया, ये क्या हो गया, एक मिनट बच्चों आ जाओ। तो जैसा कि आज आप लोग जानते हो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस टेंस के, ठीक है, और हो सकता है कि अगले हफ्ते में, क्योंकि कल का तो सेशन ऑलरेडी डिसाइड है, कल तो हमने वॉइस का पार्ट वन हो गया था पिछले सैटरडे को, और वॉइस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस होने बाकी रह गए थे, ठीक है, वो हम पिछली क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो उनको हमने कल की क्लास लगाई है। तो एक क्लास आपने देखी होगी, कल के लिए भी शेड्यूल है, रात को 10 बजे, संडे है, लेकिन फिर मैंने सोचा उसको हम निपटाई देते हैं संडे में। तो वॉइस चैप्टर के कुछ अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने लास्ट सैटरडे डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे, कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस थे वॉइस के, जिनमें बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो उनकी क्लास मैंने कल लगा रखी है,
ठीक है, कल संडे को रात को 10 बजे वॉइस की क्लास होगी, और फिर मंडे को मैं आपको ना टेंस की एक और क्लास प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर लें, कुछ बचे हुए हैं वो अगले क्लास में जाएंगे। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखिए। मोहन इज ट्राइंग टू रीड ऑल द 3 बुक्स इन द सीरीज बिफोर समर डैश। ठीक, अब सारे बच्चे बात जानते होंगे कि जो बिफोर के साथ लिखी गई क्लॉज है ना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक, और बिफोर जो होता है कंजंक्शन ऑफ टाइम होता है, ज्यादातर बच्चे बात जानते ही होंगे। ठीक है, ऐप भी कॉपी कर दिया है, चलो होने दो। ठीक है छोड़ो, अपने आ जाओ, फोकस करते हैं अपने काम पे। ठीक है, देखो बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, अंटिल, एज सून एज लॉन्ग एज एटसेट्रा। ठीक है, ये जो सारे हैं ना कंजंक्शंस ऑफ टाइम है, इनके साथ लिखी गई क्लॉज जो होती है वो क्लॉज होती है, मतलब वो एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। तो यहां पे जो हम सबॉर्डिनेट क्लॉज लिखेंगे ना वो टाइम होगी। टाइम पता है किसका होगी? टाइम होगी मेन क्लॉज में लिखे गए एक्शन का। मेन क्लॉज में हमने लिखा है इज ट्राइंग टू रीड, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब काम फ्यूचर में होगा जाके। ये जो पूरा पढ़ने वाला काम है फ्यूचर में जाके इसका एंड मतलब पूरा होगा जाके, क्योंकि अभी चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो हम इवेंट लिख रहे हैं ना, ये फ्यूचर के टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि अभी तो वो पढ़ ही रहा है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है। कब तक? जब तक ये समय आएगा, उससे पहले वो कोशिश कर रहा है कि पढ़ के पूरा कर दे। तो ये जो टाइम है ना फ्यूचर का टाइम है। अब हमें पता है कि अगर हम फ्यूचर के टाइम को रेफर कर रहे हैं तो फ्यूचर टेंस लिखना चाहिए, बट अब ध्यान ये रखना है कि ये जो बिफोर है ना सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज बनाएगा। सबॉर्डिनेट क्लॉजेज में जब हमें फ्यूचर एक्शंस को रेफर करना होता है तो उनको प्रेजेंट टेंस में लिखा करो। तो ये दोनों गलत हो गए, ये गलत हो गया, ये आंसर हो गया। तो ईजी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ईजी था ज्यादातर बच्चों की, अच्छी बात है ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर बताया। एक बच्चे ने एंडेड कह दिया, मुझे लगता है शायद उसने गलत टाइप कर दिया है। ठीक है, एंड से आएगा बेटा, एंडेड नहीं आ सकता। एंडेड लिख दोगे ना यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपका टाइम पास्ट का हो जाएगा, फिर ये जो मेन क्लॉज का टेंस है ना ये भी पास्ट में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो गलती हो जाएगी। नमस्ते भैया प्रतापगढ़ से, बहुत खुश रहो, मस्त रहो, तरक्की करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद योर गार्डन डैश टू मैनी वीड्स। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद योर गार्डन डैश टू मैनी वीड्स। जल्दी से बताएं सारे बच्चे इसका आंसर। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद योर गार्डन डैश टू मैनी वीड्स। अब एक चीज देखना, यहां पे सारे बच्चे ध्यान रखना, ये जो हमने टू मैनी वीड्स लिखा है और यहां पे द बिगेस्ट प्रॉब्लम लिखा हैव वर्ब हम यूज कर नहीं सकते। हैव ना पजेशन की वर्ब होती है। अब यहां पे सब्जेक्ट कौन है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और ये जो टू मैनी वीड्स हैं और ये जो प्रॉब्लम है वो ध्यान से देखो, एक ही चीज है, वीड्स को ही प्रॉब्लम कहा जा रहा है। तो ये जो टू मैनी वीड्स हैं ये प्रॉब्लम को ही कहा जा रहा है, मतलब जो बहुत ज्यादा खरपतवार है उसी को प्रॉब्लम कहा जा रहा है। खरपतवार ही समस्या है, कोई और चीज समस्या नहीं है। तो ये जब तुम जान जाओगे कि ये तो सेम है, सब्जेक्ट है और ये जो हमने वर्ब के बाद में वर्ड लिख रखा है वो सब्जेक्ट का ही डिस्क्रिप्शन है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। वर्ब के बाद में लिखे गए ऐसे वर्ड्स जो वर्ब के सब्जेक्ट को रेफर या डिस्क्राइब करते हैं वो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। नमस्ते भैया प्रतापगढ़ वाले, नमस्ते। ठीक है, तो ये अगर कॉम्प्लीमेंट है तो यहां पे आप लिंकिंग वर्ब ही लिख पाओगे। हैव लिंकिंग वर्ब होती नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है ना, ये सब्जेक्ट देखो सिंगुलर नंबर का है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो आप वर्ब ही नहीं लिख पाओगे, ये भी गलत हो गया। अब या तो लिखो विल हैव बीन या लिखो वॉज, या तो विल हैव बीन लिखोगे या आप लिखोगे वॉज। ठीक है, तो सारे बच्चों को ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो विल हैव बीन है और वॉज है ये एक ही वर्ब के दो अलग अलग टेंसेज हैं। वर्ब एक ही है, ये जो बीन है ये भी बी की फॉर्म है, वॉज भी बी की फॉर्म है, तो हमने एक ही वर्ब के दो अलग अलग टेंसेज लिख रखे हैं। ये है फ्यूचर परफेक्ट और ये है पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट तब यूज किए जाते हैं जब हमें यह बताना हो कि पास्ट में कोई एक्शन या फ्यूचर में कोई एक्शन किसी दूसरे एक्शन से पहले हुआ। मतलब ये सबको पता होगा, टेंस में पढ़ते हैं सारे बच्चे। देखो ऐसे समझना, मान लो ये पॉइंट प्रेजेंट हो गया,
प्रेजेंट से पहले सब कुछ पास्ट हो गया, प्रेजेंट के आगे सब कुछ फ्यूचर हो गया। अब प्रेजेंट से पहले मान लो कोई भी एक पॉइंट है तो वो पास्ट है, ठीक है, और उस पास्ट वाले पॉइंट से अगर हम थोड़ा और बैक चले जाएं तो जो हम पहुंच जाएंगे वो पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। इसी तरीके से प्रेजेंट से अगर हम आगे के किसी पॉइंट को रेफर करेंगे तो वो पॉइंट फ्यूचर होगा, ठीक है, और उस फ्यूचर से पहले के अगर हम किसी पॉइंट को रेफर कर देंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है। तो फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंसेस हम तभी यूज करते हैं जब हम उनका पास्ट के या फ्यूचर के किसी दूसरे एक्शन से रिलेट कर पहले कंप्लीशन शो कर रहे हो। कुल मिला के फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट रिलेटिव कंप्लीशन होते हैं, उनका तभी यूज किया जा सकता है जब हम उनको पास्ट के या फ्यूचर के किसी दूसरे एक्शन से रिलेट कर रहे हो। यहां देखो कोई दूसरा एक्शन तो नहीं है, ठीक है, तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट है आपका, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ईयर आंसर वॉज, ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। क्विक रहना थोड़ा सा। द नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स डैश लाउडर एज द मॉर्निंग प्रोग्रेसेस। सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। द नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स डैश लाउडर एज द मॉर्निंग प्रोग्रेसेस। वेरी गुड, बहुत अच्छे तुम लोग ना, एकदम बैल हो। बैल होता है ना, जैसे हमारे गांव में तो उसे बद्ध कहते हैं, ठीक है, हमारे इधर हमारे गांव में उसे बद्ध कहा जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत सा बच्चा रहेगा बेचारा समझ नहीं पाएगा कि बद्ध का मतलब, ठीक है, तो बैल हो, बैल तो सभी समझ जाओगे। सेंटेंस पूरा पढ़ा करो, ठीक है, सेंटेंस पूरा पढ़ा करो। तुम लोग इतने वास्तव में पढ़ते हो मुझसे लेकिन सीखते कुछ नहीं हो, पता नहीं। देखो बच्चे मैं बताता हूँ है क्या यहाँ पर, यहाँ पे सुनो मैं बता रहा हूँ। अरे 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 कमेंट बहुत जोर ऊपर चले जाते हैं। यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ, अगर ये स्टेटमेंट केवल इतना हो, केवल इतना, केवल इतना हो, ठीक है, तो हम लिखेंगे इज गेटिंग, द नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स इज गेटिंग लाउडर। अब देखो ये सारे बच्चों को बात ध्यान रखनी चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ये भूल जाते हैं बच्चे जब पढ़ा रहे होते हैं टेंस, तो ये बातें बाकायदा समझाते हैं। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो आंसर गलत कर रहा है। मान लो किसी बच्चे ने टेंस मुझसे नहीं पढ़ा है, ठीक है, और वो अगर इसका आंसर इज गेटिंग बता रहा है, ठीक है, वो अगर इसका आंसर इज गेटिंग बता रहा है तो समझ में आता है कि भाई उसने तो पढ़ा ही नहीं है, उसको तो अभी जब मैं समझाऊंगा बात तब समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन जो पढ़ चुके हैं अगर उनमें से कोई गलत बता रहा है, ठीक है, ठीक है, कौन सा गांव है आपका, एक कह रहा है एटा, बेटा मैं एटा का नहीं हूँ, एटा लपेटा का नहीं मैं हरदोई से हूँ, एटा बेटा से नहीं हूँ, ठीक है। सुनो, तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने हमसे नहीं पढ़ा टेंस वेंस ऑफलाइन में ऑनलाइन में, और वो अगर आंसर गलत बता रहा है तो उसका समझ में आता है कि भाई उसको अभी इतना डिटेल में नहीं पता, तो गलती हो गई, कोई बात नहीं, अभी उसको बताऊंगा तो उसको भी समझ में आ जाएगी बात, ठीक है, अभी एक्सप्लेन करूंगा तो वो जान जाएगा। लेकिन जो टेंस पढ़ चुके हैं हमसे ऑनलाइन में ऑफलाइन में, और वो अगर गलत बता रहे हैं तो वो मार खाने वाले काम कर रहे हैं कि उनको तो चपकाए खींच के, ठीक। देखो होता क्या है बेटा, जो इज गेटिंग है ना, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और सारे बच्चे यहां पे ध्यान रखेंगे कि जो कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंसेस होते हैं, ठीक है, वो डेफिनेट, या मैं उन्हें कहता हूं पर्टिकुलर इवेंट्स होते हैं, या मैं कहता हूं स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है या जो पर, हाउ कैन यू रोक मी, अबे रुक जा तेरी तो जो परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं ना, वो किसी एक सिंगल इवेंट को रेफर करते हैं। जैसे मान लो कोई एक पर्सन है खाना खा रहा है, तो ये एक इवेंट है, सिंगल इवेंट है खाना खाना उसका, ठीक है। जैसे उसने खाना खा रहा है तो ये एक सिंगल इवेंट है कि स्पेसिफिक इवेंट है। अगर उसने खाना अभी पूरा नहीं खा पाया है, इन प्रोसेस है, तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। और जैसे वो खाना खा के खत्म कर देगा, खाना फिनिश कर लेगा, वैसे हम परफेक्ट टेंस यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हम कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट टेंस यूज करते हैं ना, ये किसी एक डेफिनिट एक्शन के लिए, किसी एक स्पेसिफिक एक्शन के लिए यूज किए जाते हैं।
लेकिन अगर मान लो कोई एक्शन ऐसा हो जो कि बार बार रिपीट होता हो, 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 तो हम उसके लिए कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंस नहीं यूज करते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं इंडेफिनिट टेंसेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पे देखो, अगर हम इज गेटिंग लिख देंगे तो होगा क्या, ये एक स्पेसिफिक इवेंट हो जाएगा। मान लो मैं सुबह जगा, ठीक है, और मैंने देखा सुबह कम आवाज आ रही थी, अब धीरे धीरे आवाज बढ़ती जा रही, तो ये एक सिंगल डे का इवेंट हो गया, ये वन टाइम इवेंट हो गया, एक सिंगल डे का इवेंट हो गया। लेकिन यहां पे आप आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एज द मॉर्निंग प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे मॉर्निंग प्रोग्रेस करती है, मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे व्हीकल्स की आवाज बढ़ती जाती है। तो जब यहां पे तुम देखोगे ना इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है, तो इंडेफिनिट टेंस का मतलब समझ में आ जाएगा। इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये हो जाएगा कि ये कोई एक सिंगल इवेंट नहीं है, ये कोई एक वन टाइम इवेंट नहीं है जिसकी बात की जा रही है, ये रेगुलर या फ्रिक्वेंट या फैक्चुअल इवेंट है। तो मैं फिर से पूरी बात समझा देता हूं, पूरा सेंटेंस पढ़ा करो। कुछ बच्चे होते हैं ना, छोटा सा उन्हें कोई पॉइंट दिख जाता है और बस उसी पॉइंट पर वो टूट पड़ते हैं, आंसर कर देते हैं। अच्छा, फिर बाद में देखते हैं कि नंबर नहीं मिला, नंबर तो चला गया उल्टा, क्योंकि तुमने जल्दबाजी में सेंटेंस पूरा तो पढ़ के समझे नहीं। अगर ये केवल इतना लिखा होता, नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स डैश लाउडर, तो हम इस गेटिंग लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको वन टाइम इवेंट मान लेंगे। हम ये मान लेंगे भाई कोई एक बार की घटना है, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब तुम पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ एज द मॉर्निंग प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे मॉर्निंग प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे, तो इसका मतलब ये इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये ऐसा इवेंट है जो अक्सर होता रहता है, यूजुअल है, रेगुलर है। तो अगर ये यूजुअल है, रेगुलर है, फ्रिक्वेंट है, तो इसके लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस तो गलत हो जाएगा ना बेटा, तो इंडेफिनिट टेंस लिखो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, द नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स गेट्स लाउडर एज द मॉर्निंग प्रोग्रेस। गेट क्यों नहीं आया वो तुम समझ गए होगे, गेट इसलिए नहीं आया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है नॉइज, ठीक है, तो हमें सिंगुलर फॉर्म लिखनी पड़ेगी गेट्स। डन, नेक्स्ट पे आ जाओ। द वुमेन हु कन्फ्रंटेड द ऑनर ऑफ द ओल्ड डॉग डैश एंग्री। सारे बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। सही बताया था बेटा, बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने सही बताया उनको कोई बात नहीं, जिन्होंने गलत बताया उनकी खिंचाई होनी थी, ये खिंचाई उनकी हुई जो गलत बता रहे थे, जो सही बता रहे हैं वो तो अपने प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। कोई बैच आएगा ऑनलाइन, एक तो मैं तुम लोगों के लिए ना बहुत अच्छा सरप्राइज लाने वाला हूं। अभी जैसे तुम लोग देख रहे हो अपना चैनल है, अभी इस पे थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा हुआ है, तो अभी क्या है कि अपने 95,000 को सब्सक्राइबर्स हो गए, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हमारे जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो मैं आपको ना एक क्रैश कोर्स दूंगा, वो ऐसा क्रैश कोर्स होगा, वो फ्री होगा, सारे बच्चों के लिए फ्री होगा, आई वोंट चार्ज एनीथिंग, ठीक है। लेकिन वो क्रैश कोर्स ना आपके मतलब इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बदल देगा, ठीक है, वो मतलब आपकी सोच में बहुत परिवर्तन ला देगा, ठीक है। मतलब आप उसको फाउंडेशन कोर्स कह सकते हो मेरा, कि वो फाउंडेशन कोर्स एक तरीके से होगा। रिवील तो खैर मैं तब उसको अनाउंसमेंट में ही करूंगा, जब उस कोर्स को मैं अनाउंस करूंगा, ठीक है, जब उस प्रोग्राम को अनाउंस करूंगा तभी बताऊंगा कि कौन सा कोर्स है, ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा। तो अभी तो आपको एक फ्री कोर्स मिलने वाला है बड़ी जल्दी, पेड की तो छोड़ो, पेड वेड भी लाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा, खाली फ्री में पढ़ाते रहने से तो काम नहीं चलेगा, कुछ तो पेड प्रोग्राम भी लाने पड़ेंगे, वो भी हम लाएंगे, ठीक है, लेकिन वो आने वाले टाइम में, उसके लिए थोड़ा इंतजार करोगे, अभी जल्दी से तुम्हें एक फ्री कोर्स मिल जाएगा। हाँ चलो, अब ये क्वेश्चन देखो, द वुमेन हु कन्फ्रंटेड द ऑनर ऑफ द ओल्ड डॉग डैश एंग्री। अब यहां पे ध्यान से देखना सारे बच्चे, ये जो एंग्री वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है। जो बच्चे जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते मैं उनको बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। एंग्री एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव्स केवल लिंकिंग वर्ब्स के बाद में ही लिखे जा सकते हैं। एडजेक्टिव्स जो हैं वो लिंकिंग वर्ब के बाद में ही लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हैड लिंकिंग वर्ब होती नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। विल लिंकिंग वर्ब होती नहीं है, ये तो एक्चुअल में वर्ब ही नहीं होती है, ऑक्सिलरी होती है, ठीक है। या तो इज या फिर वर, ये दोनों बी की फॉर्म में लिंकिंग वर्ब होती हैं। अब चूंकि सब्जेक्ट है यहाँ पे सिंगुलर, द वुमेन, ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर लिख नहीं सकते, तो आंसर हो गया इज। The woman who confronted the owner of the old dog is angry. कब तक मिलेगा?
जैसे बेटा वो इवेंट तो मैंने यूट्यूब पे बनाई दिया, तुम लोग देख ही रहोगे, जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर 1 लाख हुए, जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, मोस्ट प्रोबली हम मान के चल रहे 8-10 दिन में शायद हो जाएंगे, 15 दिन में हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, जब भी हो जाएंगे, तो जिस दिन वो हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी दिन हम उसको अनाउंस कर देंगे, सारी डिटेल बता देंगे कि कोर्स कितने दिन का होगा, कहाँ पर मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा या ऐप पे मिलेगा, ठीक है, और क्रैश कोर्स एक्चुअल में है किस टॉपिक का, किस चीज़ का क्रैश कोर्स है, 1 महीने का है कि 2 महीने का है, वो तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। वॉज क्यों गलत है बेटा? वॉज ऑप्शन में नहीं ना, वॉज ऑप्शन में नहीं है, वर है ऑप्शन में। अगर वॉज ऑप्शन में होता और इज भी ऑप्शन में होता तो 2 आंसर्स हो सकते थे, ठीक है, तो वॉज तो ऑप्शन में नहीं है, ध्यान से देखो ना, वर है ऑप्शन में, वर तो आएगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो ये हो गया, नेक्स्ट पे जाओ। दे वर ऑनर्ड फॉर रेस्क्यूइंग द चाइल्ड हु डैश इन टू अ पॉन्ड। थोड़ा सा क्विक होकर आंसर कर दो, मैं चाहता हूं आज जितने मैं क्वेश्चन तुम लोगों से डिस्कस करने के लिए लाया हूं वो सारे डिस्कस हो जाए, उनमें से कोई ना बचे। वॉज होता बेटा तो 2 आंसर सही हो जाते। अगर देखो, मैं इसीलिए कहता हूँ, बच्चे कई बार सोचते हैं कि मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया और उसके दोनों ऑप्शन दे रखे होंगे तब हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा होता नहीं है। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, देखो, एक क्वेश्चन के 2 भी आंसर हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब पेपर में वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शंस में कोई एक ही सही आंसर दिया गया होगा, ऑप्शंस में 2 या 2 से ज़्यादा आंसर सही नहीं दिए जा सकते क्योंकि तब क्वेश्चन गलत हो जाता है ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के ऑप्शन तो 2 भी मतलब एक क्वेश्चन जो है उसके 2 आंसर हो सकते हैं, 3 आंसर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, इंग्लिश में तो कम से कम हो ही सकते हैं, मैथ्स में भले ही ना हो पाए इंग्लिश में तो हो ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वेरी कर जाएगा। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पेपर में ऐसा नहीं होगा कि दिए गए ऑप्शन में से कोई 2 ऑप्शन आंसर हो सकते हो, उनमें से कोई एक ही ऑप्शन आंसर हो सकता होगा, ठीक है। तो जैसे बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर मान लो इस क्वेश्चन में वॉज भी ऑप्शन में दे रखा होता तो फिर वॉज और इज दोनों आंसर हो जाते तो क्वेश्चन गलत हो जाता भाई। मान लो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप पेपर में पूछो जिसके 2 ऑप्शन आंसर हैं, तब तो फिर गलत हो जाएगा ना, तो ऐसा होगा नहीं। अब इसमें आ जाते हैं, हमने कहा कि उस पर्सन को सम्मानित किया गया, किस लिए सम्मानित किया गया, फॉर रेस्क्यूइंग द चाइल्ड, बच्चे को बचाने के लिए, कैसे बच्चे को बचाने के लिए, हु डैश इनटू अ पॉन्ड, जो किसी तालाब वगैरह में गिर गया, ठीक है। तो अब अगर इसको ऑनर किया गया तो पास्ट में लिखा ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर ऑनर लिखा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस का, तो ऑनर किया गया उसे पास्ट में, ठीक है, और जिसको उसने बचाया वो घटना हुई होगी उससे भी पास्ट में, क्योंकि अगर इसको सम्मानित किया जा रहा है बच्चे को बचाने के लिए जो तालाब में गिर गया, तो इसका मतलब जो बच्चा तालाब में गिरा होगा वो तो सम्मानित किए जाने से पहले गिरा होगा, ठीक है, तो इसको ऑनर किया गया पास्ट में, तो ये एक्शन जिसके लिए इसे ऑनर किया गया वो हुआ होगा उससे भी ज्यादा पास्ट में, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट हो गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, एक ही ऑप्शन आंसर हो सकता है, ठीक है, हैड फॉलन, तो आंसर हैड फॉलन हो गया। अब एक चीज मैं तुम्हें और बता देता हूं, कुछ बच्चे तो अपने आप जान गए होंगे, कुछ नहीं जान पाएंगे उनको मैं बता देता हूं, सारे बच्चे ध्यान रखना, क्या ये जो वॉज फॉलन वर्ब है बच्चे, ठीक है, ये जो वॉज फॉलन वर्ब है ये एक और वजह से भी गलत है कि हम इसका पैसिव नहीं बना सकते। होता क्या है कि जो वॉज फॉलन, ये जो स्ट्रक्चर है ना आपका, ये अनग्रामेटिकल है, अनग्रामेटिकल है, ठीक है, क्योंकि फॉल वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, इसका पैसिव नहीं बना सकते, एज अ पास्ट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं बट एज अ पैसिव नहीं बना सकते, ठीक है, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, तो वॉज फॉलन जो है ना वो एक्चुअली अनग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, वो किसी भी ऑप्शन में आप यूज नहीं कर पाओगे एज अ वर्ब, तो उसको पैसिव वॉइस में नहीं यूज कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, बाय द टाइम द गेस्ट अराइव इट डैश रेनिंग, बाय द टाइम द गेस्ट अराइव्ड इट डैश रेनिंग, क्विकली बच्चे बहुत जल्दी से आंसर बताएं, सारे बच्चे आंसर बताएं, राम राम भाई, हेड स्टॉप, सुखेंदु दत्ता, बेटा तुम तो पेड़ बैच में भी हो, तुम्हारी बहुत मार पड़ेगी, समझे, तुम्हारी बहुत मार पड़ेगी, तुम बैच में मिलना, तुम देखो मैं तुम्हारी रेल बनाता हूं, बट बेवकूफ, मैं कह रहा हूं जिसको मैंने टेंस नहीं पढ़ाया वो गलती कर दे तो समझ में आता है, उसको पढ़ाया नहीं तो उससे गलती हो जाती है, ठीक है, जिन्हें पढ़ा दिया वो गलती कर रहे हो तो मार खाओगे।
हाँ इसमें देखो पता है क्या, ये जो हमने लिखा है बाय द टाइम द गेस्ट अराइव, ये बच्चे डेडलाइन है। बाई जो होती है वो प्रेपोजिशन होती है, बाय द टाइम जो होता है वो कंजंक्शन होता है, और उसके साथ में जो हम क्लॉज लिखते हैं बाय द टाइम के साथ में, वो क्लॉज किसी एक्शन के होने की डेडलाइन होती है। डेडलाइन का मतलब टाइम में एक ऐसी लाइन जहां पे जाके कोई एक्शन खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखो बाय द टाइम क्लॉज में ना प्रेजेंट टेंस लिख रखा है, तो प्रेजेंट टेंस का मतलब हमें ये लगेगा कि ये डेडलाइन प्रेजेंट में है, लेकिन टेक्निकली प्रेजेंट में कोई डेडलाइन हो नहीं सकती। वजह ये होती है कि मान लो अगर आपको कोई काम करना है और आप प्रेजेंट में उसकी डेडलाइन सेट कर दोगे तो फिर आप एक्शन को करोगे कहाँ जाके। अच्छा जो बच्चे डेडलाइन का मतलब ना समझ पा रहे हो मैं उन्हें बता देता हूँ, डेडलाइन का मतलब होता है टाइम का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जाके कोई इवेंट एंड हो जाए, जहाँ पे जाके कोई एक्शन खत्म हो जाए, डेड हो जाए, कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए, तो ऐसे टाइम पॉइंट को हम डेडलाइन कह रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं ना वो समझ नहीं पाते, टर्म समझ नहीं पाते, क्योंकि वो इस तरीके से टेंस पढ़े नहीं होते हैं, इस तरीके से उन्हें पढ़ाया नहीं गया होता, तो वो मेरी टर्मिनोलॉजी ही नहीं समझ पाते कि मैंने कह क्या दिया, ठीक है। तो डेडलाइन का मतलब है टाइम का एक ऐसा पॉइंट जहां पे जाके कोई इवेंट डेड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने कहा बाय द टाइम गेस्ट अराइव, जब तक गेस्ट आएंगे, तो गेस्ट आएंगे फ्यूचर में, तो गेस्ट का आना जो है ना डेडलाइन है। अभी किस एक्शन की डेडलाइन है, वो एक्शन रहा ये रहा कि बारिश बंद हो जाएगी, तो गेस्ट आएंगे फ्यूचर में। तो ये जो हमने प्रेजेंट टेंस लिखा है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि जब हम सबॉर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस लिखते हैं तो एक्चुअल में टाइम फ्यूचर का होता है, ठीक है। तो ये फ्यूचर है, तो ये डेडलाइन फ्यूचर में, तो कहने का मतलब जब तक फ्यूचर में गेस्ट आएंगे उससे पहले कोई काम खत्म हो गया होगा। और हमें कैसे पता खत्म हो गया होगा, क्योंकि फ्यूचर में गेस्ट का आना डेडलाइन है, तो जिस भी एक्शन की डेडलाइन है वो एक्शन इससे पहले खत्म होगा, क्योंकि अगर वो इससे पहले नहीं खत्म हुआ तो फिर ये डेडलाइन कैसी। तो कहने का मतलब जब तक गेस्ट आएंगे तब तक वो जो दूसरा काम है जो यहाँ लिखा हुआ ये वाला एक्शन, ये एक्शन डेड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पास्ट में कोई एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन से पहले या फ्यूचर में कोई एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो जाए तो हम उसे पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में लिखते हैं, ये पढ़ा था। तो ये आंसर। नेक्स्ट, द अक्यूज्ड हैज अ लाइ बिफोर द जज एंड लेटर अपोलोजाइज्ड फॉर इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चों को आंसर बताना है। ऑल दोज, ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग लर्न। हाँ न्यू लर्नर्स के साथ होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सारे विजार्ड गंदा टेंस पढ़ाते हैं, विजार्ड तो ऐसे ही होते हैं, देखो विजार्ड तो बेवकूफ बनाने के लिए बच्चों को होते हैं, ठीक है। इजार्ड विजार्ड कोई तुक समझ में आता है, कोई अपने को कहे, चलो छोड़ो अभी तो हमें फोकस करना है टेंस पे, ये बातें फिर कभी करेंगे। आंसर बताओ सारे बच्चे। ऑल दोज, मैं देख रहा हूँ कि लाइव मुझे देख रहे हैं 283, लाइक हुए हैं 187, मतलब समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन कुछ दिमाग में फिट नहीं बैठी, ठीक है। चलो खैर वो तो बाद में देख लेंगे, पहले एक बार आंसर कमेंट करो। जितने भी इस बच्चे इस समय लाइव हैं, ऑल दोज हु आर लाइव एट द मोमेंट हैव टू कमेंट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सबको कमेंट करना है, गलत हो जाए हो जाने दो, लेकिन कमेंट करना जरूर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा तुम्हें। कुछ बच्चे हैं जो पॉइंट समझ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बात समझ रहे हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अकल नहीं यूज कर रहे, केवल आंखें यूज कर रहे हैं, वो केवल देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। मैं किस ऐप पे पढ़ाता हूँ बेटा, मेरा अपना ही ऐप है, मेरा अपना ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। देखो अब क्या है यहाँ पे, देखो सुनना मेरी बात सुनना, अब तुमने जो कमेंट कर लिया कर लिया, बहुत अच्छी बात है, पहले मैं तुम्हें शांत कर देता हूं। जिसको लग रहा है ये ऑप्शन आंसर है और जिसको लग रहा है ये ऑप्शन आंसर है वो गलत बता रहे हैं। जिस जिसको ये लग रहा है कि इसमें ए ऑप्शन आंसर है, क्योंकि मैं देख रहा था ए वाले ज्यादा हैं बच्चे, ए ऑप्शन जो है उसको कमेंट करने वाले बच्चे ज्यादा हैं, ज्यादा बच्चों को ये लग रहा है कि ए ऑप्शन आंसर है। अच्छा मजे की बात इसमें यह है, हालांकि ये बात मजे की नहीं है, लेकिन इसमें वो बच्चे जो कि पेड बैच में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके नाम से मैं जान जाता हूँ कि कौन से बच्चे हमारे पेड बैचेस में, जो पेड बैचेस में बच्चे हैं जिनको अभी मैंने टेंस पढ़ाया है वो भी गलत कर गए, क्योंकि खोपड़ी नहीं यूज कर रहे, ठीक है। प्रैक्टिस इसलिए जरूरी होती है।
ठीक है, प्रैक्टिस इसलिए जरूरी होती है, पढ़ना एक चीज है, पढ़ाना एक चीज है, लेकिन जो पढ़ा पढ़ाया गया उसको प्रैक्टिस करना दूसरी चीज है, क्योंकि प्रैक्टिस में गलतियां होती हैं बच्चों से, फिर नया हमें सीखने को मिलता है। देखो ये जो बिफोर वर्ड है ना बच्चे, ये ठीक है, ये बिफोर कंजंक्शन नहीं है बच्चे, ये बिफोर जो है ये प्रेपोजिशन है, ठीक है, और यहां पे बिफोर जो है ना ये टाइम की प्रेपोजिशन नहीं है। सारे बच्चे ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही रीच्ड देयर बिफोर मी, कि वो मुझसे पहले वहां पहुंच गया, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा ही कैन नॉट स्टैंड बिफोर मी। तो अब तुम्हें समझना है कि इन दोनों सेंटेंसेस में ये बिफोर प्रेपोजिशन है, यहां भी प्रेपोजिशन है और यहां भी प्रेपोजिशन है, यहां पर ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, ठीक है, यहां पर ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। जब ये प्लेस की प्रेपोजिशन होती है तो एक्चुअल में पोजिशन को रेफर करती है, किसी पर्सन की पोजिशन को रेफर करती है। अच्छा, ज्यादातर बच्चे बात जानते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, वो आगे आप ध्यान रखेंगे कि बिफोर जो प्रेपोजिशन होती है, बिफोर कंजंक्शन केवल टाइम के लिए यूज होता है, बिफोर एडवर्ब केवल टाइम के लिए यूज होता है, लेकिन बिफोर प्रेपोजिशन टाइम और प्लेस दोनों के लिए यूज होती है। फिर से बोल दूं, एक बार ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बिफोर कंजंक्शन भी है, प्रेपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है। बिफोर जो हमारा वर्ड है ये कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और एडवर्ब तीनों है। जब ये प्रेपोजिशन होता है बिफोर वर्ड, तो ये टाइम और प्लेस दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। जब ये कंजंक्शन या एडवर्ब होता है तो ये केवल टाइम के लिए यूज होता है, मतलब अगर बिफोर कंजंक्शन है या अगर बिफोर एडवर्ब है तो ये केवल टाइम को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, या यूं कह लो केवल टाइम को रेफर करता है। लेकिन अगर बिफोर एडवर्ब है, सॉरी, अगर बिफोर प्रेपोजिशन है तो ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी होता है, इसका मतलब होता है अर्लियर, और ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी होता है। जब ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होता है तो इसका मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, आमने सामने, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखोगे तो जब हम बिफोर को यूज करते हैं एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम तो इसका मतलब होता है अर्लियर, ये ध्यान रखना है। लेकिन जब हम इसे यूज करते हैं एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस तो इसका मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ या इन प्रेजेंस ऑफ, तब इसका मतलब होता है या तो इन फ्रंट ऑफ या इसका मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ, किसी की उपस्थिति में, किसी के सामने, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। यहां पे बिफोर द जस्ट का मतलब समझ रहे हो क्या है, अगर तुम इस बिफोर को प्रेपोजिशन ऑफ टाइम मान लोगे, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अक्यूज्ड ने जज से पहले झूठ बोल दिया, मतलब जज ने भी झूठ बोला, ठीक है, लेकिन जज से पहले जो आरोपी था उसने झूठ बोल दिया, जज बाद में झूठ बोल पाया, आरोपी ने पहले ही बोल दिया। हमें बताइए बदतमीजी है, जज क्यों झूठ बोलेगा, जज तो न्याय करने के लिए होता है, वो खुद थोड़ी झूठ बोलेगा, ठीक है। तो ये जो बिफोर है ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, और यहां पर इसका मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ, इसका मतलब है इन फ्रंट ऑफ, कि जज की उपस्थिति में, मतलब कोर्ट में उसने झूठ बोल दिया। बात समझ में आई। तो ये जो बिफोर वर्ड है ना ये बच्चों को कंफ्यूज कर गया, बच्चों ने देखा बिफोर लिखा है तुरंत पास्ट परफेक्ट लिख के बैठ गया और खोपड़ी नहीं यूज की है, बिफोर यहां पे टाइम के लिए नहीं प्लेस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, जैसे कि तुम लोग जानते हो, हेस्ट मेक्स अ वेस्ट, ठीक है, जल्दी करिए नहीं काम हुआ नहीं। सर आप ऐसा पढ़ाने कहां से सीखे, अच्छा सीक्रेट बता दूं तुझे, हां बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं सर आप ऐसा कहां से सीखे पढ़ाना, ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक आपको कहां मिले, भाई मैं बता दूंगा क्या तुम्हें, हैं? चलो तो कुल मिला के अब आ जाओ मेन चीज पे। तो ये बिफोर वाला अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया, ठीक है, अब तुम मेरी बात समझ जाओगे। देखो हुआ क्या, अक्यूज ने झूठ बोला, अब लेकिन बाद में माफी मांग ली, ये लिखा ना एंड लेटर, लेकिन बाद में फिर क्या किया उसने, माफी भी मांग ली, पहले तो मतलब झूठ बोल दिया उसने, लेकिन बाद में उसने क्या किया, तुरंत माफी मांग ली। तो ये दोनों काम पास्ट में हुए, उसने माफी मांगी पास्ट में, झूठ भी बोला पास्ट में, ठीक है, झूठ पहले बोला, माफी बाद में मांगी। अब हम आ जाते हैं दूसरी बात पे। अब मान लो कोई बच्चा ये सोचे कि उसने बाद में माफी मांगी लेकिन पहले झूठ बोला, तो झूठ बोलने वाला काम हुआ पहले, माफी मांगने वाला काम हुआ बाद में, जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, हमें ऐसे लिखना चाहिए, बच्चा ये सोचेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स,
सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ तो बेहतर समझोगे। मतलब वैसे यहाँ ये वाला तो आज मैं दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, इस पर जगह नहीं है, लेकिन फिर भी चलो गड़बड़ हो गई। चलो देखो ऐसे समझना, मैं ऐसे बता देता हूँ, मतलब कुछ लिखना है लेकिन ये मैंने आज सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर पे ये फाइल ओपन कर ली है। देखो यहाँ देखना सारे बच्चे, मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही गॉट अप एट 6 AM, रीच्ड कॉलेज एट 10 AM, रिटर्न्ड होम एट 5 PM एंड वेंट टू द पार्क एट 7 PM। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे बच्चे अपना क्लियर कर लें हमेशा के लिए, नहीं तो इसको लेकर बच्चों में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, आगे के लिए हमेशा क्लियर कर लेना। यहां देखो एक हमने सेंटेंस लिखा है, ही गॉट अप एट 6 AM, वो 6 बजे उठा, रीच्ड कॉलेज एट 10 AM, 10 बजे कॉलेज पहुंचा, रिटर्न होम एट 5 PM, 5 बजे घर वापस आ गया, एंड वेंट टू द पार्क एट 7 PM, और शाम को 7 बजे पार्क गया, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि ये पर्सन जो है इसने ये सारे काम पास्ट में किए, जगह पास्ट में, कॉलेज पहुंचा पास्ट में, घर वापस आया पास्ट में, और पार्क में गया पास्ट में, ठीक है। अब ये सारे काम पास्ट में हुए तो बच्चा सोचेगा अगर ये सारे काम पास्ट में हुए हैं, ठीक है, तो इनमें से जो काम लास्ट में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में आना चाहिए और जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो कायदे से वो जो वेंट टू द पार्क है वो होना चाहिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, और ये बाकी सारे पास्ट परफेक्ट में होने चाहिए क्योंकि उससे पहले हुए हैं। सिंपल लॉजिक तो यही कहता है बच्चे का। अब मैं आपको समझाता हूं होता क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे नहीं यूज होता, हम कह क्या देते हैं कि पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट ऑफ पास्ट है, लेकिन इसका बच्चा मतलब नहीं समझता। इसका मतलब ये होता है कि जब आप पास्ट के किसी पॉइंट से और बैक चले जाओ तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस तब यूज किया जाता है जब हम पास्ट से बैक इनटू द पास्ट हुए एक्शन को रेफर करें, तब पास्ट परफेक्ट। मतलब पास्ट परफेक्ट के लिए ये डायरेक्शन होनी चाहिए एक्शन की कि आप पास्ट से बैक जा रहे हो, मतलब पास्ट में आप पहले से थे लेकिन उससे और बैक में चले गए पास्ट ऑफ पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। यहां पे देखो क्या हुआ, ये पहले जगह, फिर उसके बाद कॉलेज गया, फिर उसके बाद घर वापस आया, फिर उसके बाद में पार्क गया, तो इसमें से ना कोई भी एक्शन बैक इनटू द पास्ट नहीं है, ये सारे फॉरवर्ड एक्शंस हैं। तो अगर मान लो पास्ट में कोई एक एक्शन हो, अब फिर उसके बाद दूसरा एक्शन हो, फिर उसके बाद तीसरा एक्शन हो, फिर उसका चौथा एक्शन हो, तो इन एक्शंस के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं यूज करेंगे, इनके लिए हम सबके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमें तभी यूज करना है जब हमें यह बताना हो कि पास्ट में एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन से कंपेटिबली पहले हो गया तो, ठीक है। तो यहां पे हम पास्ट परफेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि पहले इसने झूठ बोला, बाद में माफी मांग ली, तो हम बैक इनटू द पास्ट नहीं गए, हम फॉरवर्ड चले गए, आगे चले गए। तो अगर हम पास्ट के किसी एक्शन से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट तभी होगा जब हम पास्ट के किसी एक पॉइंट से बैक चले जाएंगे, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस गलत है आपका, एक मिनट बच्चे, पास्ट इंडेफिनिटी सही एक्चुअली, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस सही। अच्छा पास्ट इंडेफिनिट ये भी है, पास्ट इंडेफिनिट ये भी है, लेकिन ये पैसिव है इसलिए गलत है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट डूअर है तो हम पैसिव वर्ब नहीं लिख सकते, तो ऑप्शन बी आंसर हो गया। तो जो बच्चे ए ऑप्शन चिल्ला रहे थे ना इसका आंसर की हैड टोल्ड आएगा, हैड टोल्ड आएगा, अब मुझे लगता है उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि टोल्ड आएगा, हैड टोल्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें दो वजह से कन्फ्यूजन हो रहा था बच्चों को, एक तो बिफोर की वजह से कि वो बिफोर को समझ नहीं पा रहे थे, ये वजह थी कन्फ्यूजन की, और दूसरी वजह कन्फ्यूजन की जो थी वो ये थी कि वो ये मान रहे थे कि एक्शन पास्ट में पहले हुआ तो इसलिए पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो आगे से ये ध्यान रखना है, पहले हुआ पास्ट में उसे पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखना है, जब हम पास्ट में बैक जाएं तब पास्ट परफेक्ट लिखना है, और पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट ऑफ पास्ट, तो पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब यही होता है, पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब होता है कि पास्ट से भी बैक चले गए आप, लेकिन यहां हम देखो बैक नहीं गए, हम आगे चले गए, पहले इसने झूठ बोला बाद में माफी मांग ली तो हम बैक तो गए ही नहीं पास्ट में, एक घटना हुई पास्ट में फिर उसका दूसरी घटना हुई, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिटी लिखना। नेक्स्ट बजाओ, व्हेन एवर आई डज समथिंग इंपॉर्टेंट ही कम्स एंड स्टार्ट सिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे जल्दी से आंसर करो, सारे बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। सर आप अभिनय शर्मा सर को जानते हो, उन्होंने ही बताया था आपके बारे में एक दिन ऑनलाइन क्लास में। बेटा
अभिनय शर्मा सर को मैं और अभिनय शर्मा सर मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसमें कोई संदेह मत करो, उन्होंने मेरा नाम लिया है, ठीक है, अगर उन्होंने बताया तो उनको मेरी तरफ से धन्यवाद पहुंचाना, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, एक बच्चा हैव डन लिख रहा है, बेटा मेहनत करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, हैव डन हैड डन करोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या है, वेन एवर आई डज समथिंग इंपॉर्टेंट ही कम्स एंड स्टार्ट सिंगिंग, जब भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट करता हूँ तो आता है और आके सिंग करने लग जाता है, मतलब गाना गाने लग जाता है। अब यहाँ पर हम दो चीज़ें मान सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दो सिचुएशन देता हूँ, ध्यान से उनके मुझे आंसर बताना। देखो एक चीज़ तो मैं पहले ही बता देता हूँ, हैव बिन डूइंग आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है, और हैव डन भी नहीं लिख पाओगे। इन दोनों के नहीं लिखने की ना मैं आपको दो वजह बताऊंगा, वो दोनों तुम्हें ध्यान रखनी है हमेशा, ठीक है। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में जो हमारा सही ऑप्शन होता है वो उतना इंपॉर्टेंट सीखना नहीं होता है, जितना सीखना जो गलत वाले हैं वो होते हैं, क्योंकि हमें सीखना गलत कोई होता है, ठीक है। हमें जैसे हम एक क्वेश्चन है उसका आंसर डिस्कस कर रहे हैं तो उसका जो सही जो ऑप्शन उसका सही आंसर है, ठीक है, वो तो ठीक है इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हैं जो गलत हो रहे हैं, क्योंकि हमें उनको सीखना है कि ये जो गलत है वो क्यों हुए, ठीक है। देखो यहां पे एक बात समझना, हैव डन पता क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हैव डन का यूज हम करते हैं उस एक्शन के लिए जो वन टाइम हो, एक बार हो गया खत्म, उसके बाद दोबारा नहीं होगा। लेकिन यहां पे ध्यान से देखो वेन एवर लिखा हुआ, वेन एवर का मतलब बार बार रिपीट होने वाला एक्शन, ठीक है। तो हैव डन तो हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक सिंगल इवेंट को रेफर करेगा। अच्छा, हैव बिन डूइंग जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को बिना पॉइंट या बिना ड्यूरेशन ऑफ टाइम के नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन है दो, डू और एम डूइंग। वैसे कुछ बच्चे इसमें एम डूइंग को भी गलत मान रहे होंगे, वो एम डूइंग को इसलिए गलत मान रहे होंगे क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि एम डूइंग कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वन टाइम इवेंट के लिए नहीं यूज होता है, ठीक है। लेकिन वेन एवर लिखा है तो वन टाइम इवेंट है नहीं, ये रेगुलर इवेंट है या फ्रीक्वेंट इवेंट है, तो ये गलत हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट का डिफरेंस समझो। अगर हम लिखें वेन एवर आई डू समथिंग इंपॉर्टेंट ही कम्स एंड स्टार्ट सिंगिंग, तो इसका मतलब आपको ये मानना पड़ेगा कि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट काम करता हूँ तभी वो आके वहाँ पे गाना गाना शुरू कर देता है। तो आपको ये मानना पड़ेगा वो इसलिए आता है क्योंकि आपको डिस्टर्ब करना चाहता है, आप इंपॉर्टेंट कर रहे हो इसलिए, ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट ये। दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये कि मान लो आपको इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और इसी बीच में आके उसने गाना गाना शुरू कर दिया, मतलब आपको डिस्टर्ब कर रहा है एंड यू आर ऑलरेडी बिजी इन सम एक्शन। अब यहाँ पे देखो लॉजिकल क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और दूसरे पर्सन ने देख लिया कि हाँ भाई अब इसने काम करना शुरू कर दिया, तुरंत ही वो आ गया उसी टाइम डिस्टर्ब करने गाना गा के। या तो अगर ये सिचुएशन है तो आप लिखो डू, लेकिन अगर ये सिचुएशन है कि जब आप किसी काम को कर रहे होते हो और उसके मिडिल में होते हो, ठीक है, और जिस समय आपको फोकस अटेंशन की जरूरत है उस समय आके डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, तो आपको लिखना पड़ेगा आई एम डूइंग। टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई एक्शन जो पहले से ही इन प्रोसेस हो और उसको आके बीच में कोई एक्शन डिस्टर्ब कर दे, ठीक है, तो जो एक्शन उसको बीच में आके डिस्टर्ब करेगा वो इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट में हो या पास्ट में। लेकिन जो एक्शन पहले से ही चल रहा था और जो उस समय जब वो दूसरा एक्शन हुआ इनकम्प्लीशन के स्टेट में था, उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि यहां पे जो डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट है वो बैकग्राउंड एक्शन है, टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शन है। वेन एवर आई एम डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट, जब भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट कर रहा होता हूं तो आगे बीच में गाना गाना शुरू कर देता है। तो टाइम टेकिंग बैकग्राउंड एक्शंस को कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा करो, बस ये ध्यान रखना है। जब एक एक्शन हुआ अगर उससे पहले कोई दूसरा एक्शन ऑलरेडी प्रोसेस में था, ऑलरेडी चल रहा था, इफेक्टिव था, तो वो इनकम्प्लीशन की स्टेट में, उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें लिखना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी ज्यादातर बच्चों को, नेक्स्ट में आ जाओ। द फाइनल मैच डज व्हेन इट बिगिन टू रेन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे ही कमेंट करेंगे, मेरे सर अयोध्या से आपको पढ़ने गए थे, फिर मैं उनसे पढ़ा, फिर मैंने आपका बैच लिया।
अच्छा अयोध्या से? अयोध्या तो मेरा कभी किसी दिन घूमने आने का भी मन है। सारे बच्चे जल्दी से आंसर बताएं। स्टार्ट्स, हैड स्टार्टेड, स्टार्टेड, हैज स्टार्टेड, क्या आंसर है? बहुत अच्छी बात है। हो तुम लोग होशियार, बस खोपड़ी यूज करने से तुम्हें मतलब बैर है, अकल यूज नहीं करना चाहते हो। अकल यूज क्या करो बेटा। चलो अब मैं आंसर बताता हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। पहले आंसर बताऊंगा फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले बता के फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरे से गड़बड़ हो जाएगी, बच्चा चिल्लाने लगेगा। बात समझ में आई? ये तो है इस क्वेश्चन का आंसर। बेटा जरूर आऊंगा, आऊंगा तब मैं अनाउंस कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है? तो यहां पे आंसर है हैड स्टार्टेड, ठीक है? हैज स्टार्टेड जो बच्चे कह रहे हैं मैं उनको बता दूं, हैज स्टार्टेड नहीं हो सकता बेटा, थोड़ी सी खोपड़ी यूज करो। कैसे? यहां देखो, व्हेन इट बिगेन टू रेन, आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था कि व्हेन, ठीक है, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, एज सून एज लॉन्ग एज, ये सारे कंजंक्शंस जो हुए वो कंजंक्शंस ऑफ टाइम होते हैं। तो इनके साथ लिखे गए सबॉर्डिनेट क्लॉजेस जो होती हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम होती हैं। तो व्हेन इट बिगेन टू रेन जो हमने सबॉर्डिनेट क्लॉज लिखी ना, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब ऑफ टाइम है। और ध्यान से देखो, ये टाइम क्या है? पास्ट है। बिगेन लिखा ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर ये टाइम पास्ट है तो ये टाइम किस एक्शन का मतलब टाइम है, ये जो पास्ट है ये किस एक्शन का टाइम है, तो वो एक्शन हमें यहाँ पे लिखना है मेन क्लॉज में। तो अगर ये टाइम पास्ट है तो ऑब्वियसली बात है कि एक्शन भी पास्ट का होगा, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट तो लिख नहीं पाओगे। तो ये जो ए और डी ऑप्शन है तो ऐसे ही गलत हो गए, ठीक है? ए और डी तो ऐसे ही गलत हो गए। हाँ, अब हमें ये पता करना है कि हैड स्टार्टेड और स्टार्टेड में से कौन सा आंसर है, ठीक है? तो जिन बच्चों ने हैड स्टार्टेड लिखा था, जिन्होंने स्टार्टेड लिखा था, ठीक है, ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो बेटा मैं क्या बता रहा हूं कि जैसे हैड स्टार्टेड और स्टार्टेड है, दोनों पास्ट के। अब इसमें स्टार्टेड क्यों गलत हो गया, हैड स्टार्टेड क्यों गलत हो गया, ये आपको समझना है। इसके पीछे वजह मैं बताता हूं। देखो, सारे बच्चों को तुरंत समझ में आ जाएगी, एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा लेकिन हमेशा के लिए कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा ए, द रेन स्टॉप्ड When Kamal woke up, ठीक है? Kamal, एक मिनट बच्चा, Kamal woke up when द डॉग बाग्ड। ये दो क्वेश्चन देखें एक बार सारे बच्चे, ये सारे बच्चे एक बार ये दो क्वेश्चन देखें और मुझे जल्दी से बताएं क्या इन दोनों में से कोई गलत भी है, ठीक है? जल्दी से, द रेन स्टॉप्ड वेन कमल वॉकअप, कमल वॉकअप वेन द डॉग बाग्ड। जल्दी से जितना भी तुम्हें पता है टेंस के बारे में, जो भी थोड़ी बहुत तुम्हारी अपनी जानकारी है, ठीक है, जो भी तुम्हारी थोड़ी बहुत जानकारी है। देखो, एक बच्चा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक मेरा, मैं टेंस में बच्चों को कंफ्यूज करता हूं उस क्वेश्चन का यूज करके, वो यहां पे कॉपी कर रहा है। चलो, द रेन स्टॉप्ड व्हेन कमल वॉकअप, कमल वॉकअप व्हेन द डॉग बाग्ड, क्या दोनों सही है दोनों गलत है, जल्दी से बताइए।
जो भी टेंस को लेकर तुम्हारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी बहुत जो भी समझ है वो बताओ, दोनों सही है दोनों गलत? चलो अब मेरी सुनना ध्यान से, अब जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बना रहेगा, ठीक है? तुम जान नहीं पाओगे कि वहां पे हेड स्टार्टेड क्यों हुआ, स्टार्टेड क्यों नहीं हुआ। अगर वो तुम्हें जानना है ना कि हेड स्टार्टेड क्यों हुआ, स्टार्टेड क्यों गलत हो गया, तो यहां पे ध्यान देना अब जो मैं समझाऊंगा। देखो ये जो स्टॉप होना है रेन का और कमल का जगना है, ये दोनों ना पॉइंट है, मतलब ये जो दोनों एक्शन है, ये दोनों एक्शन पॉइंट को टाइम के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ड्यूरेशन को नहीं। उसी तरीके से जो ये जगना है कमल का और कुत्ते का जो भौंकना है, बाग करना है, ये दोनों पॉइंट को रेफर कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो दोनों एक्शन पास्ट के हैं, मतलब ये दोनों पॉइंट पास्ट में है। अब होता क्या है कि पास्ट में मान लो एक एक्शन हुआ और दूसरा एक्शन हुआ, ठीक है? तो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ ये रहे थे कि मान लो पास्ट में अगर कोई दो एक्शन हो, उनमें से एक पहले हो और एक बाद में हो, तो जो पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिख देते हैं और जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिख देते हैं, यही है, ठीक? अब हमें पता है जो दोनों एक्शन है ना वो ऐसे ही है जो सीक्वेंस में हुए होंगे, या तो पहले बारिश बंद हो गई होगी बाद में ये जगह होगा, या पहले ये जग गया होगा बाद में बारिश बंद हुई होगी, मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक? या फिर यहाँ पे क्या है कि पहले ये जग गया होगा बाद में कुत्ता भौंका होगा, या पहले कुत्ता भौंका होगा बाद में ये जगह होगा, ठीक? ऐसे कुछ हुआ होगा। तो ये सीक्वेंस में हुए इवेंट्स हैं, मतलब ये भी सीक्वेंस में हुए इवेंट्स हैं, ये भी सीक्वेंस में हुए इवेंट्स हैं, साइमल्टेनियस नहीं है, ये सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं, साइमल्टेनियस नहीं है बच्चे, ये वो इवेंट्स हैं जो सीक्वेंस में हुए, ठीक? अब हमें ध्यान ये रखना है कि जब पास्ट में कोई दो एक्शन एक के बाद होते हैं, मतलब सीक्वेंस में होते हैं, तो हम वहां पे क्या करते हैं, जो पहले हुआ होता है उसे पास्ट परफेक्ट में लिख देते हैं, जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिख देते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। अब इसको थोड़ा सा अपने क्लियर करना, क्या क्लियर करना, कि अगर हम कभी वेन के साथ में इस कॉन्सेप्ट पे ना, मैंने यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा वीडियो भी बना रखा है, डिटेल में पढ़ा रखा है, एक घंटे का वीडियो होगा, लगभग एक घंटे का वीडियो होगा इसी कॉन्सेप्ट को, उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, वेन कंजंक्शन पे मैंने एक वीडियो बनाया, वो देखना यूट्यूब पे बाद में। अभी यहां समझ लो, अगर हम वेन कंजंक्शन के साथ में पास्ट के किन्हीं दो ऐसे एक्शंस को एक लिखें जो सीक्वेंस में हुए हों, तो उनमें से जो पहले हुआ एक्शन होता है हम उसे कई बार पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, कई बार नहीं लिखते हैं। अब पास्ट परफेक्ट में लिखना है या नहीं लिखना वो डिपेंड करता है एक फैक्टर पे। फैक्टर क्या है कि मान लो पास्ट में कोई दो एक्शन हुए और उनमें से एक एक्शन दूसरे एक्शन का कॉज हो जाए, मतलब एक एक्शन की वजह से दूसरा एक्शन हो, और वो दोनों एक्शन जो है ना वो इंटरडिपेंडेंट हो। इंटरडिपेंडेंट का मतलब एक एक्शन हुआ उसकी वजह से दूसरा हुआ, अगर पहला वाला नहीं हुआ होता तो दूसरा भी नहीं हुआ होता। तो ऐसे केस में हम दोनों एक्शंस को सेम टेंस में या सेम टाइम फ्रेम में रखते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं इंटरडिपेंडेंट एक्शंस के लिए। अगर पास्ट में कोई दो एक्शन हुए सीक्वेंस में और हमने उनको वेन के साथ लिखा है, ठीक है, लेकिन वो दोनों एक्शन ना इंटरडिपेंडेंट है, एक की वजह से दूसरा हुआ, तो हम दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो दोनों एक्शन सेपरेट हो, इंटरडिपेंडेंट ना हो, दोनों एक्शन सेपरेट हो और इंटरडिपेंडेंट ना हो, तो जो एक्शन पहले होता है हम उसे पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। मतलब ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है और समझनी है अगर पहले से ना पता हो तो, ठीक है? अब देखो, कमल वॉक अप व्हेन द डॉग बार्क्ड, कुत्ता भौंका इसलिए वो कमल जग गया, ठीक है? तो हमें पता है ये इंटरडिपेंडेंट एक्शन हो जाएगा, मतलब इसको इंटरडिपेंडेंट माना जा सकता है, इंटरडिपेंडेंट एक्शन। इंटरडिपेंडेंट एक्शन का मतलब ये हो गया कि कुत्ता भौंका इस वजह से कमल जग गया, अगर कुत्ता नहीं भौंका होता तो कमल जगा भी नहीं होता, अपना सोता रहता, ठीक है? तो ये इस तरीके की सिचुएशन हो गई, कुत्ता भौंका जिसकी वजह से वो जग गया, अगर कुत्ता नहीं भौंकता तो वो भी नहीं जगता। तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट एक्शन है, तो दोनों सेम टेंस में लिखे जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, ये सही हो गया, ठीक है? अब यहां जाओ, रेन स्टॉप्ड व्हेन कमल वॉक अप, क्या अब यही बात हम यहां मान सकते हैं? क्या हम इसको ये यहां पे मान सकते हैं कि बारिश बंद हो गई इसलिए कमल जग गया, या कमल जग गया इसलिए बारिश बंद हो गई? जल्दी से कमेंट करके बताओ यस या नो। क्या हम इन दोनों को इंटरडिपेंडेंट एक्शन मान सकते हैं? क्या हम ये मान सकते हैं कि बारिश बंद हो गई इसलिए कमल जग गया, या कमल जग गया इसलिए बारिश बंद हो गई? क्या ऐसा माना जा सकता है? सर जी मेरा भी कमेंट पढ़ लो, उसमें आपका राज छुपा हुआ है। अबे हाँ, मेरा राज तू बताएगा तो फिर राज कहाँ रह गया? बावला ही है क्या पूरा? भाई मेरा राज अगर तू बता देगा, ठीक है, तो ये कैसा राज है? टाइम नहीं खराब कर, पढ़ ले चुपचाप तू भी। बैल, तुम्हारे जैसे को फिर मैं बैल कहता हूं।
बेमतलब की चीजों में बहुत मौज लेते हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। ना कमल के जगने की वजह से बारिश बंद हो जाएगी, ना बारिश के बंद होने की वजह से कमल जग जाएगा। सोते आदमी को क्या पता बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दोनों सेपरेट एक्शन है, ये दोनों सेपरेट एक्शंस हैं, इंटरडिपेंडेंट नहीं है। अब अगर ये दोनों सेपरेट एक्शन हैं, ठीक है, अगर ये दोनों सेपरेट एक्शंस हैं, ठीक है, तो इनमें से जो पहले हुआ वो हमें पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा पहले कौन सा हुआ, कि भाई पहले बारिश बंद हो गई या पहले वो जग गया? कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पहले बारिश बंद हो गई फिर बाद में वो जगता रहा, या ऐसा भी हो सकता है वो पहले जग चुका था बाद में कभी बारिश बंद हुई। इंटरडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन सीक्वेंस तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम किसको पास्ट परफेक्ट में लिखें, किसी को तो पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा, या तो इसे लिखें या इसे लिखें। अब क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता, हम गेस कर सकते हैं यहाँ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, बट एक्चुअल क्या हुआ वो हमें नहीं पता होता, ठीक है, क्योंकि ये हम एग्जाम्पल एज ए एग्जाम्पल इसको डील कर रहे हैं, रियल सिचुएशन नहीं हमें पता, ठीक है। तो अगर कॉन्टेक्स्ट से ना क्लियर हो पाए कि कौन सा एक्शन पहले हुआ होगा कौन सा बाद में हुआ होगा, तो जो वैन के साथ लिखा गया एक्शन होता है उसको आप पहला एक्शन माना करो, मतलब उसको अर्लियर एक्शन माना करो। तो हम इसका टेंस चेंज कर देंगे, हैड वॉकन अप, ठीक है। द रेन स्टॉप्ड व्हेन कमल हैड वॉकन अप, मतलब बारिश बंद हुई लेकिन जब कमल जग चुका था, मतलब ऐसा नहीं कि कमल के जगने की वजह से बारिश बंद हुई, बारिश अपना अलग एक्शन है, कमल का जगना अलग एक्शन है, लेकिन कमल का जगना पहले हो गया था, बारिश का बंद होना बाद में हुआ, ठीक। तो अब मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर कॉन्टेक्स्ट से ना पता चल पाए कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, वैसे तो कोई भी हो सकता है, ये भी पहले हो सकता है वो भी पहले हो सकता है, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट से आप क्लियरली ना जान पाओ कौन सा पहले हुआ होगा, तो डिफॉल्ट एक्शन उसको पहला मान लिया करो जो वैन के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, अगर हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख दें तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो क्या होगा, ये हो जाएगा इंटरडिपेंडेंट एक्शन अगर हम वेन लिख देंगे, क्योंकि यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट, यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट, और ये सीक्वेंस में वो इवेंट्स होंगे वेन के साथ लिख रखा है। तो अगर हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट लिख देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा द फाइनल मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगन टू रेन, कि जब बारिश शुरू हो गई तो फाइनल मैच शुरू हो गया, कि भाई बारिश शुरू हो गई चलो मैच शुरू कर दो, ठीक है। हमें पता है बदतमीजी, ऐसा नहीं होता, बारिश शुरू होने पे मैच बंद होता है, चालू नहीं होता। अगर यहां पर लिखा होता स्टार्टेड की जगह स्टॉप्ड, समझ रहे हो, अगर यहां पे स्टार्टेड की जगह स्टॉप्ड लिखा होता तो ये ऑप्शन आंसर होता, सी ऑप्शन आंसर होता, अगर यहां पे वर्ब स्टार्टेड नहीं स्टॉप्ड होती, ठीक है। अब चूंकि स्टार्टेड वर्ब है तो इतना तो कॉमन सेंस सबको ही होता है, ठीक है, कि भाई बारिश शुरू होने से मैच को बंद किया जाता है, बारिश के शुरू होने से मैच को शुरू नहीं किया जाता, ये बदतमीजी है। तो ये मतलब दोनों एक्शन जो हम यहां पे लिख रहे हैं वो इंटरडिपेंडेंट नहीं है, वो सेपरेट एक्शंस हैं। अगर सेपरेट एक्शन है और ये ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में लिख रखा है तो इसको आपको पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हमने हैड स्टार्टेड लिख दिया, ठीक है। फिर से जो बात बता रहा हूं ध्यान रखना, अगर यहां पे स्टार्ट वर्ब की जगह स्टॉप्ड वर्ब लिखी होती स्टॉप्ड, तो ये आंसर होता वो गलत हो जाता, ठीक है। चलो आगे पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव विल मेक एन अनाउंसमेंट व्हेन द ऑर्डर डैश रेडी, If the match is meant to be played in rain, is there really is there some match that is played in rain? And is it possible that you schedule the match according to schedule of the rain? Can a match be scheduled as per the raining? Can anybody precisely predict when it will begin raining and when it will stop raining? Use some sense, dear. Talk some sense. Do you even think what you are saying, what you are commenting? You have just fingers, you have just mouth, then you start typing and you start commenting and you start speaking. Do you think what you are going to say? Do you ever think what you have said? Can we ever schedule matches according to the schedule of rain? Do rains have any schedule? भाई मतलब काबिलियत के चक्कर में जो मन में आया बोले दे रहे हैं एंट सेंट, ठीक है। भैया मेरा नाम अंकुल सिंह है, चलो आंसर होता, इजी क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा। इनको कॉमन सेंस वाली क्लास लेनी चाहिए, नहीं इनको सोचने की आदत डालनी चाहिए।
अब देखो, द एग्जीक्यूटिव विल मेक एन अनाउंसमेंट व्हेन द डैश ऑर्डर इज रेडी। अब यहां पे ध्यान से देखो, आपका टेंस जो है ना वो फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। व्हेन के साथ लिखी गई क्लॉजेस जो होती हैं वो सबॉर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं और वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ये व्हेन सबॉर्डिनेट क्लॉज है। तो अगर ये टेंस पास्ट का है तो ऑब्वियस बात है इसका टाइम भी पास्ट का रहा होगा, तभी हमने सॉरी अगर ये टेंस फ्यूचर का है तो इसका टाइम भी फ्यूचर का रहा होगा, तभी हम यहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो टाइम है ना ये फ्यूचर होगा। तो अगर ये टाइम फ्यूचर है तो कायदे से तो हमें विल भी लिख देना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, कि व्हेन सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है और सबॉर्डिनेट क्लॉज में जब हमें फ्यूचर एक्शंस को रेफर करना होता है तो प्रेजेंट टेंस लिखा करो। ठीक है, तो हम फ्यूचर तो नहीं लिख पाएंगे, पास्ट तो कैसे भी नहीं लिख पाएंगे, या तो इज लिखें या हैज बीन लिखें। ठीक है, अब देख लो उसमें क्या लिखोगे। द एग्जीक्यूटिव विल मेक एन अनाउंसमेंट व्हेन द ऑर्डर हैज बीन रेडी या इज रेडी। ठीक है, तो जो रेडी है ना ये खुद कंप्लीशन की स्टेट को एडजेक्टिव रेफर करता है, इसके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर इज रेडी। ठीक है, देखो एक बच्चा बता रहा है, सी बेटा आपको अपने कॉन्सेप्ट ठीक करने की जरूरत है टेंस के, बहुत ज्यादा। ठीक है, मीटअप कब कर रहा हूं, जब बता दो मैं तो तभी कर दूंगा, मुझे क्या मीटअप, मीटअप के लिए कोई शेड्यूल थोड़ी बनाना होता है, ये तो अपने मन में है, जब बताओ रख लें। मीटअप करता हूं जल्दी से लखनऊ में, अभी हो सकता है 2-3 हफ्ते बाद मेरा लखनऊ आना हो। ठीक है, सोचता हूँ अभी 15 अगस्त के आसपास में एक छुट्टी करूँगा, 4-5-6 दिन की, जाऊँगा गाँव घुमाऊँगा, गंगा नहाऊँगा, लखनऊ घुमाऊँगा, अपने डिस्ट्रिक्ट भी घुमाऊँगा, तब मीटअप कर दूंगा लखनऊ में। ठीक रहेगा। हाउ टू गेट द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, ओ डियर। देखो मैं एक बात बता देता हूँ सारे बच्चों को, अभी भी क्लास अभी थोड़ी देर चलेगी। ठीक है, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो है एसेक इंग्लिश, एसेक इंग्लिश, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस नाम से सर्च कर लोगे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इस चैनल को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप उस लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो पीडीएफ हम डिस्कस करते हैं यूट्यूब पे, जितना भी कॉन्टेंट, इसकी सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती है। ठीक है बच्चे, देखो, सम ऑफ द गेस्ट हैड बीन डांसिंग ऑन द फ्लोर सिंस द पार्टी डैश। ठीक है, ठीक, एक छोटी सी बात बताता हूं, बस काम खत्म हो जाएगा। क्या कि जब भी हम सिंस प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है, जो कि टाइम के पॉइंट को रेफर करती है, तो इसके साथ लिखा गया जो टाइम का पॉइंट होता है, जो भी टाइम पॉइंट हम सिंस के साथ में लिखते हैं, ठीक है, वो हमेशा पास्ट का होता है और उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। ठीक, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बिगन वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं, ये तो अनग्रामेटिकल है, ये स्ट्रक्चर अनग्रामेटिकल है, ये तो आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, एज अ मेन वर्ब इसको यूज ही नहीं कर पाओगे, ये गलत हो गया। वॉज बिगन पास्ट इंडेफिनिट है, बिगन पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन चूंकि वहाँ पे जो हमारी पार्टी है उसके साथ में हमें वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आंसर है बिगन। बिगन बेटा वर्ब के थर्ड फॉर्म है। जो बच्चे बी ऑप्शन आंसर बता रहे हैं मैं उनको बता दूं, बिगिन बिगेन बिगन होता है, बिगन वर्ब के थर्ड फॉर्म है और वर्ब के थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के एज अ मेन वर्ब नहीं यूज की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द हिंदी टीचर डैश अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू द स्टूडेंट्स एट दिस टाइम यस्टरडे। पटना आ जाऊं एक बार, पटना में वैसे 2 बार आ चुका हूं। ठीक है, एक बार तो उधर एक शादी थी, ठीक है, हालांकि शादी पटना में नहीं थी, सीतामढ़ी थी। ठीक है, तो बाई फ्लाइट गए पटना तक, फिर आगे तो बाई स्कॉर्पियो गए। ठीक है, तो था क्या कि पटना में 2 बार गया हूं, एक बार तो पढ़ाई लिखाई का मसला नहीं था, जैसे एक शादी थी, ठीक है, सीतामढ़ी, तो शादी में गया था बाई फ्लाइट पटना और फिर वहाँ से बाई स्कॉर्पियो सीतामढ़ी, और एक बार गया था पढ़ाई लिखाई के मसले में, लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मैं सही बताऊँ। ठीक है, हालांकि फिर भी कभी मौका मिला, ईश्वर ने चाहा तो जरूर, लेकिन प्लानिंग में पटना कहीं है नहीं। मतलब मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि तुम बहुत मन से बात मुझे कह रहे हो, इन्वाइट कर रहे हो। ठीक है, तो तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दिलाना चाहता। ठीक है, चलो आंसर था। अब देखो सारे बच्चे एक चीज समझना, ये जो हमारा सेंटेंस है ना बच्चे, अगर इसमें ये ना लिखाओ एट दिस टाइम स्टडी,
थोड़े समय के लिए मान लो कि इसमें ये नहीं लिखा, ठीक, तो इस सेंटेंस का आंसर अलग होगा, ठीक है। अगर इसमें एट दिस टाइम ना लिखा हो तो इसका आंसर अलग होगा, ठीक है। द हिंदी टीचर डैश अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू द स्टूडेंट्स यस्टरडे, कि हिंदी टीचर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बच्चों को कल सुनाई, तो यस्टरडे टाइम हो गया पास्ट का, पास्ट का टाइम हो गया, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस टोल्ड लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, हैड टोल्ड तो वैसे भी नहीं लिख पाओगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैज बीन टेलिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो आएंगे नहीं, तो हम लिख देंगे टोल्ड अगर एट दिस टाइम ना लिखा हो। लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, जो हमने एट दिस टाइम लिखा ना, ये टेम्पररी टाइम है। मान लेते हैं ये पूरा यस्टरडे है, ठीक है, ये पूरा यस्टरडे है। एट दिस टाइम का मतलब इस समय का मतलब जो आज समय वही जब कल समय था, ठीक है। उस समय हिंदी टीचर ने कहानी सुनाई, अभी जो कहानी सुनाई हिंदी टीचर ने उसको हमने एक स्पेसिफिक टाइम पॉइंट से रिलेट कर दिया। किसी भी एक्शन को जब हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट से, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन से रिलेट कर देते हैं तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। और अगर वो एक्शन उससे पहले हमेशा इफेक्टिव ना रहा हो और उसके बाद भी हमेशा इफेक्टिव ना रहना हो तो वो टेम्पररी एक्शन होता है, उसको कंटिन्यूअस टेंस में लिखना चाहिए। और अब हमें ये तो पता ही है कि ऐसा तो है नहीं कि हिंदी टीचर उससे पहले हमेशा से कहानी सुना रहे होंगे, हमेशा बाद में सुनाते रहे होंगे, लेकिन हाँ ये समय जब कल था उस समय वो कहानी ही सुना रहे थे, ठीक है। तो कहानी सुनाना इस समय के रेस्पेक्ट में हो गया टेम्पररी एक्शन, टेम्पररी एक्शन हो गया तो कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस टोल्ड है नहीं तो ये गलत हो गया, वॉज टेलिंग आंसर हो गया। तो अगर एट दिस टाइम यहाँ ना लिखा हो तो टोल्ड आंसर है, एट दिस टाइम लिख दोगे तो एक्शन उस पर्टिकुलर टाइम से रिलेट हो जाएगा तो फिर वो टेम्पररी कैटेगरी में चला जाएगा, टेम्पररी कैटेगरी में जाएगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका है वॉज टेलिंग। नेक्स्ट देखो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल डैश बाई 15% ओवर द पास्ट ईयर्स। जल्दी से बेटा आंसर बताओ इसका, सारे बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। CGL 2020 के लिए बिल्कुल ला रहे हैं बच्चे, CGL 2022 के लिए बिल्कुल ला रहे हैं, अगले हफ्ते अनाउंस करेंगे, बस अब ये वीकेंड कटने दो, ठीक है। देखो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल डैश बाई 15% ओवर द पास्ट ईयर्स, ठीक है। मुझे बस एक काम करो तुम, बाकी सब छोड़ो, ओवर द पास्ट ईयर्स जो टाइम है ना ये बता दो एक बार, ये क्या टाइम है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना ओवर द पास्ट ईयर्स, तो ओवर द पास्ट ईयर्स जो है, ठीक है, ओवर द पास्ट ईयर्स टाइम को रेफर कर रहा है, कौन सा टाइम है बस ये बता दो, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है जल्दी से बताओ। टेंस भूल जाओ, उधर मत जाओ, तुम इधर देखो ही मत, ये जो टेंस है बेटा तुम इसको देखो ही मत, तुम इसे भूल जाओ, ठीक है। टेंस तो टाइम के अकॉर्डिंग यूज होगा ना, तो तुम टेंस पे फोकस मत करो, टाइम पे फोकस करो, इधर आ जाओ। ओवर द पास्ट ईयर्स जो टाइम है ये क्या टाइम है बस ये बता दो, ये प्रेजेंट है या पास्ट है, ये क्या है। अबे ओवर द पास्ट ईयर्स जो टाइम है ये क्या है, देखो ये कह रहा है ड्यूरेशन, अबे मैं पूछ क्या रहा हूं बावले, तू बता क्या रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि ओवर द पास्ट ईयर्स जो है ये टाइम प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये बताओ, ड्यूरेशन या पॉइंट मत बताओ, वो मैं नहीं पूछ रहा हूं। पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तुम क्या करते हो, तुम कहते हो मैं पटना में रहता हूं, पूछा क्या तुमने, बताया क्या। प्रेजेंट है सर, नहीं प्रेजेंट नहीं है बेटा, यही तो, तभी तो मैं कह रहा हूं दिमाग यूज करना है, यही तो मैं कह रहा हूं कि हमें दिमाग यूज करना है। ये है पास्ट प्लस प्रेजेंट, द प्राइस ऑफ पेट्रोल डैश बाई 15% ओवर द पास्ट ईयर्स। ओवर द पास्ट ईयर का मतलब पिछले कुछ सालों में, पिछले सालों में, अब पीछे तो आप प्रेजेंट से जाओगे ना, बैक तो प्रेजेंट ही जाओगे। जैसे मान लो मैं लिख दूं इन द लास्ट थ्री ईयर्स, तो इन द लास्ट थ्री ईयर्स का मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट ईयर से पिछले तीन साल, तो प्रेजेंट ईयर भी उसमें इंक्लूडेड है, तो ये टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जल्दी से बताओ, अगर टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट हो तो उसके लिए टेंस कौन सा यूज होता है भाई। अगर टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट हो तो उसके लिए टाइम कौन सा यूज होता है, उसके लिए यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट,
पास्ट प्लस प्रेजेंट के लिए यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये है, ये नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये इंडेफिनिट है, ये कॉन्टिन्यूस, सब गलत। तो हैज रीजन हमारा आंसर है, ठीक है। तो अगर हम टाइम को ध्यान से देखें तो हम टाइम से ही जान जाएंगे कि भाई ओवर द पास्ट ईयर्स का मतलब पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों का मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट से बैक के ईयर्स जो हैं, तो उसमें प्रेजेंट से आप बैक जा रहे हो तो उसमें पास्ट इंक्लूडेड है, प्रेजेंट इंक्लूडेड है, तो पास्ट प्लस प्रेजेंट हो गया। अगर टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट हो तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट लिखना पड़ता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक ही ऑप्शन है, वही ऑप्शन आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट पे जाओ। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, अगर किसी एक्शन का टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट हो, पास्ट प्लस प्रेजेंट, ठीक है, तो उसका टेंस हमेशा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। I with my friends dressed for a walk every day since last month. Answer. Sir, please come to Kolkata. हाँ, कोलकाता सही जगह, घूमने फिरने वाली जगह है कोलकाता, बताते हैं वहां की मिठाई टाई बड़ी पसंद है, ठीक है। लेकिन कोलकाता बहुत दूर है दिल्ली से, दिल्ली से कोलकाता बहुत दूर है बेटा। कोलकाता बेहतर जगह है, अच्छी जगह है घूमने घामने वाली है, हावड़ा ब्रिज है, माँ गंगा का घाट है, ठीक है, लेकिन दूर बहुत पड़ जाता है। मिठाइयाँ हैं, रसगुल्ला, बढ़िया। अब देखो सारे बच्चे ध्यान देना, अगर ये स्टेटमेंट केवल इतना हो तो क्या आंसर करोगे? अगर ये स्टेटमेंट केवल इतना हो जितना मैंने अंडरलाइन किया है तो तुम आंसर क्या करोगे? अगर ये क्वेश्चन केवल उतना हो जितना मैंने अंडरलाइन किया है, हाँ ये भी है, क्या दूर क्या नजदीक, जल्दी से जयपुर आऊंगा, जयपुर पक्का आऊंगा, झूठ नहीं बोलता हूं, ठीक है, जयपुर आऊंगा बेटा। बारिश खत्म हो इस समय तो राजस्थान में बारिश ने उधम काट रखा है ना, जोधपुर जयपुर सब बारिश ने बड़ा तबाह कर रखा है, बारिश बंद हो तब आऊंगा। चलो अगर ये केवल इतना हो ना, आई विद माई फ्रेंड्स डैश फॉर अ वॉक एवरी डे, तो एवरी डे जो होगा मतलब इसका मतलब हो गया रेगुलर एक्शन। एवरी डे का मतलब क्या हो गया? रेगुलर एक्शन, बाद में होने वाला एक्शन, बार बार होने वाला एक्शन, ठीक है। तो हम वहां पर लिखेंगे इंडेफिनिट टेंस, या ये भी लिख सकते हैं वेंट, पास्ट इंडेफिनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा आंसर केवल इतना हो तो हम या तो यहां पे लिखेंगे वेंट पास्ट इंडेफिनिट या लिखेंगे गो प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब इन दोनों में से कोई भी लिखोगे सही हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा था, एक ही क्वेश्चन के दो या दो से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन एक है तो आंसर एक ही होगा, एक क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको इस तरीके से बनाया कि क्वेश्चन को पूछा जाता है और इस तरीके से उसके ऑप्शन लिखे जाते हैं कि कोई एक ही ऑप्शन आंसर बन पाए, एक से ज्यादा ऑप्शन आंसर ना हो। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन केवल इतना हो, केवल इतना हो, ठीक है, और यही ऑप्शन दे रखे हों तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसके तो दो ऑप्शन आंसर हो जाएंगे उस केस में, ठीक। तो जब भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो तुम्हें ध्यान रखना है कि उसका आंसर दिए गए ऑप्शंस में से कोई एक ही होता है, ठीक है। पेपर के बाहर निकलते ही फिर उसके कई आंसर हो सकते हैं। खैर, अगर यहां तक होता तो हम पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। लेकिन आगे देखो लिखा सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ क्या है? टाइम पॉइंट। सिंस लास्ट मंथ क्या है? टाइम पॉइंट। किसी भी एक्शन के साथ में अगर उसका टाइम पॉइंट लिख दिया जाए तो वो एक्शन या तो परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है, या तो परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। सिंस के साथ में मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखो ऐसे तुम्हें ध्यान नहीं रहेगा, लिख देता हूँ तो ये पीडीएफ तुम्हें मिलेगी तो उसमें डिटेल लिखी रहेगी तो जान जाओगे कि हाँ ये मेन बात है। सिंस के साथ में जब हम कोई टाइम पॉइंट लिख देते हैं तो ऐसे एक्शंस जिनके साथ में उनका टाइम पॉइंट लिखा हो वो या तो परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, होता यह है कि अगर मान लो रिजल्ट दे रखा हो एक्शन का, हाउ मच या हाउ मेनी का रिप्लाई दे रखा हो, तो हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म में ना आती हो तो भी परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, नहीं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं।
अब यहाँ पे देखो रिजल्ट तो नहीं दे रखा है, लेकिन जो गो वर्ब है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाती है। अब चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाती है तो फिर हम इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही लिखेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस तो यूज नहीं हो सकता ना सिंस के साथ में। तो आंसर है डी, हैव बीन गोइंग। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन सही बताया था वो तो ठीक है, वो ओके लाइन पे चल रहे हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। और जिन्होंने डी नहीं बताया उन्होंने गड़बड़ कर ली, ठीक है। अगले पे आ जाओ। वी डैश दिस डाउट सिंस द वेरी बिगनिंग ऑफ द कोर्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज कर लेते हैं जब वो केवल उतने ही टाइम के लिए यूज हो। अबे बेवकूफ, वो टाइम पॉइंट के साथ नहीं, वो ड्यूरेशन के साथ यूज होता है, ठीक है। खा गए, मिला दिया सब आपस में ही, ठीक है। वो देखो एक बच्चा कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हैं। अबे बैल, वो मैंने ड्यूरेशन के लिए बताया था कि ड्यूरेशन अगर दे रखी हो तो हम इंडेफिनिट टेंस भी लिख सकते हैं। टाइम पॉइंट के साथ इंडेफिनिट टेंस मत लिखना बेवकूफ। पढ़ाओ क्या और ये समझते हैं क्या, इन्हें बताओ कुछ, ये सुनते हैं कुछ। एवरीडे का कुछ नहीं खत्म, एवरीडे बिगर टाइम सुपरसीड कर देता है ना बेटा, इस छोटे टाइम को बड़ा टाइम सुपरसीड कर देता है। मैं रोहिणी में रहता हूं दिल्ली में, ठीक है। मैं रोहिणी में रहता हूं, मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं इंडिया में रहता हूं, ठीक है। तो जो बिगर यूनिट होती है वो स्मॉलर यूनिट्स को सुपरसीड कर देती है। अब देखो वी डैश दिस डाउट सिंस द वेरी बिगनिंग ऑफ टाइम। अब ये जो सिंस द वेरी बिगनिंग ऑफ टाइम हमने लिखा है, ध्यान से देखो क्या ये टाइम पॉइंट है, टाइम पॉइंट है ना। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर किसी एक्शन के साथ में सिंस लिखा हो या टाइम पॉइंट लिखा हो, ठीक है, तो हम उसको या तो परफेक्ट टेंस में लिखते हैं या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, या तो परफेक्ट टेंस में लिखते हैं या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। अब कब लिखते हैं परफेक्ट में, कब लिखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, उसके लिए ध्यान रखना है कि अगर रिजल्ट दे रखा हो, रिजल्ट का मतलब है हाउ मच या हाउ मेनी का रिप्लाई, तो परफेक्ट टेंस लिखोगे। अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म में ना यूज होती हो, स्टेटिव वर्ब्स जो होती है ना जिनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, तो भी हम परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, अदरवाइज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अब यहाँ पे वर्ब हमें दी गई हैव वर्ब जब हम पजेशन के लिए यूज करते हैं तो उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, जिसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता उसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं बनता, तो ए और सी गलत, ठीक है। अच्छा उसके बाद में जो हैड लिखा है और हैव हैड लिखा है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, वो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई भी इंडेफिनिट टेंस टाइम पॉइंट के साथ नहीं लिखा जा सकता, ड्यूरेशन के साथ लिखा जा सकता है, ठीक है। तो टाइम पॉइंट के साथ या तो परफेक्ट आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, तो ये इंडेफिनिट टेंस भी गलत हो गया, तो आंसर हो गया हैव इट। तो डी ऑप्शन आंसर है। चलो आज के लिए बस इतना रखते हैं। देखो टेंस की एक दूसरी क्लास तुम्हें देनी ही है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक क्लास में कवर नहीं हो सकते अगर डिटेल में पढ़ा के समझाया जाए तो, ठीक है। तो आज कितने क्वेश्चंस हो गए, एक और कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन और मुझे डिस्कस करना है। मैं चाहता हूँ एक हम लोग और डिस्कस कर लें कि छोड़ें, देख लेता हूँ। हाँ चलो बस छोड़ो, खत्म, बहुत हो गए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने क्वेश्चन, इनको बढ़िया से अपना रिवीजन करना, इनके अपने नोट्स वोट्स बनाते हो अगर यूट्यूब की क्लासेस के, ठीक है। कायदे से तो ग्रामर की जो क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे उनके अपने नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है, तो वो बना लेना। और ये जो PDF है ये जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन कर रखा है उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे ये PDF अभी बस 5 मिनट बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से अपना देख लेना, ठीक है। बाकी क्लासेस कैसी लगी कैसी नहीं लगी ये अपना बताना है तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कैन बी यूज विद सिंस। हाँ बेटा दोरजी, बिल्कुल यूज किया जा सकता है। वी कैन यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद सेंस। वी कैन नॉट यूज फ्यूचर टेंस विद सेंस। चलो तो आपके लिए बस इतना ही, ठीक है। और बाकी सब होगा कल, आपकी वॉइस की क्लास है, भूलना मत, ठीक है। सारे बच्चों को ध्यान रखना है, कल आपकी वॉइस की क्लास है, वॉइस की प्रैक्टिस क्लास है कल रात को 10 बजे, उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। अभी से वो सेशन मैंने बना रखा है, इवेंट क्रिएट कर दिया, उसको अपना लाइक वाइक कर देना जिससे तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ कल क्लास है लेकिन कल वॉइस की है, टेंस की अगली क्लास आपको मिलेगी मंडे को, क्योंकि मैं नहीं वॉइस को वीकडेज में नहीं पढ़ाऊंगा, उसको कल ही हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलो
तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, गुड नाइट।